टुडे अबाउट डिस्कस संस्कृत व्याकरण, व्याकरण पार्ट जो कि संधि के कुछ व्याकरण शब्द से संबंधित है उनके बारे में हम बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। कुछ वीडियोस मैंने संधि के बारे में आप लोगों को सेंड किया था, उनको अच्छे से देखिएगा। आज संधि के बारे से फिर से पुनः मैं एक रीजन्स क्लासेस के रूप में बताना चाहूँगा। आज 5 दिसंबर 2020 जो कि आप लोग की एनुअल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जनवरी फरवरी मार्च में आप लोग की एनुअल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहां आपको समझने में दिक्कत होगी, जहां आपको परेशानी होगी, मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को बताने के लिए कोशिश करूँगा। संधि जो होते हैं, क्या होते हैं संधि, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि संधि होती क्या है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसको स्टडी की, इसको याद रखिएगा कि जब दो वर्ण मिलते हैं उनमें कोई अगर परिवर्तन हो जाता है, कोई बदलाव आ जाता है, तो वह क्या होती है? संधि कहलाती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ एग्जांपल्स के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि दिन धन अंक, दिन धन अंक, दिन धन अंक बराबर दिनांक। अशब्द और अशब्द मिलकर क्या बना है? आ शब्द का निर्माण किया हुआ है। अशब्द जो हैं वहाँ पर अ धन अ बराबर आ शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जब दिन में दिन के जो अंतिम शब्द है वहाँ पर अ शब्द का निर्माण हुआ है, और अंक शब्द के प्रथम शब्द में अ शब्द का निर्माण हुआ है। तो दोनों मिलकर क्या बने हैं हम लोग के? आ शब्द का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार दिन धन अंक बराबर क्या होता है? दिनांक। सदा धन एव, सदा के अंतिम शब्द में आ शब्द का निर्माण हुआ है, देख सकते हैं, और ए शब्द के प्रथम शब्द में ए शब्द का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर ए शब्द का निर्माण हुए हैं। तो दोनों मिलकर क्या बने हैं? सदा धन एव बराबर होता है सदैव। उसी प्रकार गढ़ धन इस बराबर होता है गणेश, इति धन आदि बराबर होता है इत्यादि। तो यहाँ पर देखिएगा, अ धन ई बराबर ई का निर्माण हुआ है, ई धन आ बराबर या का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार आप भी स्टडी कीजिएगा कि जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है मेरे को बताइए, मैं बताऊँगा उनको। उसी प्रकार संधि और संयोग में अंतर कुछ बताए गए हैं कि संधि और संयोग में जो अंतर होते हैं, कैसे अंतर होते हैं, क्यों अंतर होते हैं। देखिएगा, संधि और संयोग के कुछ अंतर दिए हुए हैं कि संधि और संयोग के अंतर क्या हैं। संधि होने पर सदा दो वर्णों के बीच में कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। इसमें संधि होने पर दो वर्णों के बीच में कुछ परिवर्तन आवश्यक होता है। क्या परिवर्तन होते हैं? किंतु संयोग होने पर दोनों वर्णों केवल आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर संधि होने पर क्या होते हैं? कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन तो संयोग होने पर दोनों वर्णों में क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं, बताया गया है। उनमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और कुछ विकार नहीं होता है। तो इस प्रकार आप देखिएगा कैसे उनकी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे अयम धन एव, अयम धन एव, अयम की बात की गई है, धन एव बराबर अमेव। ठीक है, अयम धन मेव बराबर होता है अमेव। त्वम धन अपि बराबर होता है त्वम अपि, त्वम धन अपि की बात की गई है तो त्वम अपि हो जाएगा। गुणान धन एषः बराबर तो है गुणानेषः। सत धन आचारः बराबर होता है सदाचारः। यहाँ पर सद जो शब्द हैं, यहाँ पर अ शब्द का प्रयोग हुआ है और धन आ शब्द का प्रयोग हुआ है। जब अ धन आ मिलते हैं तो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर मिलते हैं, यहाँ पर दीर्घ स्वर आ का प्रयोग हो रहा है। देखिएगा, सदाचारः,
तो चा का मात्रा में आ शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अधन आ बराबर आ का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आप भी याद रखिएगा संधि के प्रकार क्या होते हैं। संधि के प्रकार कुछ दिए हुए हैं, देखिएगा संधि के प्रकार से दिए हुए हैं कि संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होती हैं, व्यंजन संधि क्या होती हैं और विसर्ग संधि क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले संधि के जो प्रकार होते हैं, पहले स्वर संधि क्या होती है इनके बारे में देखते हैं कि स्वर संधि होती क्या है। ठीक है, स्वर संधि क्या होते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में स्वर संधि का ही एक अधिक अभ्यास कराया जाता है, अतः हम यहाँ पर उसी की चर्चा कर रहे हैं। स्वर संधि क्या होती हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। स्वर संधि की परिभाषा व भेद क्या है, क्या परिभाषाएँ हैं क्या भेद हैं। ठीक है, स्वर संधि की जो परिभाषाएँ हैं और भेद हैं क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे होते हैं। जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है, दो स्वर हैं उनसे कोई अगर विकार उत्पन्न होता हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसको याद रखिएगा, स्वर संधि क्या होती हैं, स्वर संधि की परिभाषा एवं भेद क्या बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है स्वर संधि की परिभाषा एवं भेद, जब दो स्वरों के मेल से, दो स्वर जब मिलते हैं उनके मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है, उनके मेल से क्या होता है स्वर संधि कहलाते हैं, विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाते हैं। स्वर संधि के प्रमुख भेद बताए गए हैं, क्या भेद बताए गए हैं, प्रथम नंबर दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, विसर्ग वृद्धि स्वर संधि, यर स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के पांच भेद अलग से बताए गए हैं। अगर संधि की बात की जाएगी कि संधि कितने प्रकार के होते हैं बोलेंगे तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संधि होते हैं मैंने बताया, स्वर संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने प्रकार हैं बताए जाएंगे तो पांच प्रकार के स्वर संधि होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। इनको आप अच्छे से स्टडी कीजिए, याद रखिएगा। तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात की गई है कि दीर्घ स्वर संधि होती क्या है। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात करते हैं कि यदि पूर्व पद के अंत में आ, आ, ई, बड़े, उ, बड़े, उ, री तथा रड़ी हो तथा उत्तर पद यानी बाद वाले पद में के आरंभ में ही, आरंभ में यही वर्ण हो तो दोनों वर्णों में से केवल दीर्घ स्वर क्या हो जाता है, आ, बड़े, बड़ौ, अड़ी शेष रह जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, मैं बताने का मतलब ये बताया गया है कि दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बड़ा जो मात्रा होता है वह दीर्घ स्वर संधि में होते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखिएगा अधन अ बराबर आ का मात्रा हुआ है, अधन आ बराबर आ का मात्रा हुआ है, आधन अ बराबर आ का मात्रा हुआ है, आ अधन आ बराबर भी आ का मात्रा हुआ है। ये जो एग्जांपल्स के रूप में मैं बताना चाहूँगा, ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं है ना, उसी प्रकार इनके जो पद बने हुए हैं उसी प्रकार ईधन ई बराबर क्या है, बड़ी ई का मात्रा, ईधन बड़ छोट बड़ी ई बराबर बड़ी ई का मात्रा, बड़ी ईधन छोटे ई बराबर बड़ी ई का मात्रा, बड़ी 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 ई का मात्रा। दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बड़ी चीज का प्रयोग होगा, बड़ा ही मात्राओं का प्रयोग होगा। ठीक है, अब कुछ बताए गए हैं कि उ धन उ बराबर क्या होता है, बड़े उ का मात्रा होता है। तो इस प्रकार आप अच्छे से स्टडी कीजिए, देखिए जहाँ पर आपको समझने में दिक्कत होगी मैं बताऊँगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या बात करेंगे, कुछ गुड़ स्वर संधि के बारे में बात करेंगे कि गुड़ स्वर संधि होती क्या है, दीर्घ स्वर संधि क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, हेलो।